नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर। शुरुआत करेंगे करनाल की खबर के साथ, जहां पर करनाल के कैमला गांव में सीएम के किसान महापंचायत में पहुंचने से पहले ही उपद्रवियों ने हुड़दंग कर दिया और प्रशासन के साथ भिड़ते हुए नजर आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है और किसानों का रवैया ये हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही सीएम ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पर लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया। घटनाक्रम पर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है, जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं। उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं, तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आज़ादी प्राप्त की है और आज़ादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमने व्यवस्था में व्यवस्था दी है उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई, तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया, सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है, और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वह संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है, और इसमें से एक हमारे समाज को, समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, बोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है, तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊँ, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चडूनी ने, तो गुरनाम सिंह चडूनी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और हम उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा, तो क्या मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है तो ये जनता की अगर मरोड़ों निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। किसान आंदोलन 46 दिनों से जारी है। वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए, क्योंकि किसानों की मांग पूरी तरीके से जायज है। किसान परेशान है, सीएम के पीछे तो टकराव से बच रहा है, कानून व्यवस्था पहले चरमा रही है हरियाणा की, तो मेरा यही है सरकार से भी कोरोना काल है, इसमें बुला के मतलब ग्रुप में बैठ के बात करें, आशंकाएं दूर करें, और बल्कि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बातचीत करें, किसानों ये हल निकालने का प्रयास।
तो 15 जनवरी को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच वार्ता होनी है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने आगे की रणनीति के लिए बैठक का भी आयोजन किया। बैठक में किसानों ने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने की योजना बनाई है। आज सिंघू बॉर्डर पे किसान नेताओं की एक बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में यही डिस्कस हुआ कि 15 तारीख को जो केंद्र और किसान नेताओं के बीच में बातचीत होनी है, उस पे क्या उनकी रणनीति रहनी चाहिए, कैसे केंद्र से बातचीत करनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी किसान है, किसान नेता है, उन्होंने ये डिस्कस करा कि कैसे इस पूरे मीटिंग में पूरे आंदोलन को और बड़ा किया जाए ताकि केंद्र पे जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए। इसके अलावा के किसान जो है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन कुछ एक 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 बड़ा एक ऐसा स्टेटमेंट इनकी तरफ से आए, तो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आए जिससे कि पता चले कि ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा है और कितना पावरफुल है। तो ना सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश पर अपने यहाँ से बॉर्डर से आगे निकल के भी बढ़कर, जैसे किसान बार बार कह रहे हैं कि 26 जनवरी को तिरंगा ये लहराएंगे लाल किले पे, तो उस तरीके का कुछ कुछ बड़ा स्टेटमेंट ये देना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि अब इनको विश्वास नहीं है केंद्र के साथ जो बातचीत है कि उससे कुछ मसला हल होगा। इनका कहना ये है कि जब तक ये केंद्र पर प्रेशर नहीं बनाएंगे और केंद्र के सामने झुकेगा नहीं, तब तक शायद बात बननी। तो वहीं हिसार के आर्यनगर में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा के विरोध के चलते पुलिस ने 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षाकर्मी संदीप की शिकायत पर पुलिस ने 20 लोगों को आरोपी बनाया है, जिन पर हत्या का प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। बता दें कि शनिवार को आर्यनगर में किसानों ने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। वहीं इस दौरान एक पुलिसकर्मी को मामूली चोट भी आई थी। तो किसान आंदोलन को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। सिरसा के रंगड़ी गांव में एक व्यक्ति हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे के साथ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुआ। इस व्यक्ति का नाम राकेश कुमार छाबड़ा है। राकेश बताते हैं कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है और मोदी सरकार हीटर वाले कमरे में बैठकर सारा तमाशा देख रही है, इसीलिए वे तिरंगा लेकर रंगड़ी खेड़ा गांव से रवाना हुए हैं। शायद इसे देखकर मोदी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द करवाकर ही वो यहां से वापस लौटेंगे। काले कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता भूपेंद्र सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर ही निशाना साधा और साथ ही कहा कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। राजस्थान के पूर्व मंत्री भाजपा नेता एवं चिड़ावा नगरपालिका चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी भूपेंद्र सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस किसानों के नाम पर महज राजनीति कर रही है। लोहारू से राजस्थान जाते समय लोहारू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह सैनी ने ये भी कहा कि हमेशा से किसानों के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति ही की है, 60 सालों में किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच किसानों की आमदनी को दोगुना करने की है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनके दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता खासतौर पर राहुल गांधी पर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि वो नानी के घर बैठे हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि किस तरह से वो देश हित कर सकते हैं। भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रविजा। और अब बात बर्ड फ्लू की, जहां पर हरियाणा में बर्ड फ्लू पुष्टि होने से चिकन के व्यापार पर भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कैथल में जहां एक दिन का चूजा पहले 30 से 35 रुपए में बिक रहा था, वहीं एक दिन का चूजा महज 8 से 10 रुपए में बिक रहा है। शहर में पहले चिकन 100 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब चिकन के दाम 25 रुपए प्रति किलो रह गए हैं। लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत का माहौल है, जिसके चलते लोग चिकन खाने से परहेज कर रहे हैं। चिकन के दामों में गिरावट को लेकर चिकन व्यापारी ने बताया कि पहले लॉकडाउन के चलते उनका धंधा चौपट हो गया था और अब बर्ड फ्लू के चलते एक बार फिर उनका धंधा बंद हो गया है।
तो वहीं 7 राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के चलते पोल्ट्री फार्म मालिक खासे निराश हैं। पोल्ट्री फार्म मालिकों का कहना है कि पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू के चलते उन्हें भारी नुकसान हुआ है। पोल्ट्री फार्म मालिकों का यह भी कहना है कि ये सर्दी में मुर्गियों की मौत हमेशा होती है और ये बर्ड फ्लू केवल एक अफवाह है, ये कोई बीमारी नहीं। 30 साल से पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे चरणजीत सिंह का कहना है कि हर साल बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती है और नुकसान भी होता है। उन्होंने बताया कि मुर्गियों के मरने की वजह पोल्ट्री फार्म पर बॉयलर का प्रबंध नहीं होना है, जिसके चलते बढ़ती ठंड से मुर्गियां मरने शुरू होती हैं, जिसे बर्ड फ्लू का नाम दे दिया जाता है। फ्लू एक वायरस है लेकिन उससे मुर्गियों को कोई खतरा नहीं। ये हर साल एक र्यूमर टाइप की उड़ती है और दूसरी बात, जब पका हुआ मीट आप पका खाते हैं ना, तो उसमें वायरस मर जाता है, उसमें कोई बर्ड फ्लू का असर नहीं होता है। ये तो बेफालतू की अफवाह है एक मार्केट में, ये अभी तक बर्ड में प्रूफ नहीं हुआ है अभी कहीं भी। पंचकुला साइड ये मुर्गियाँ क्यों मर रही है? मुर्गियाँ यहाँ पे एक वायरस डिसीज आई है, अरानी खेत जो बोलते हैं, उसकी वजह से है, न कि बर्ड फ्लू। लगभग इस लाइन में 30 साल हो गए हैं पोल्ट्री लाइन में, और ये जो बर्ड फ्लू की अफवाह उड़ रही है, ये हर साल नुकसान होता है ठंड की वजह से। जब ठंड बढ़ती है तो प्रॉपर फार्मर मैनेजमेंट को सही तरह काबू नहीं रखता और उसमें ठंड की वजह से बर्ड जो है मर जाता है, तो इसको नाम दे दिया जाता है बर्ड फ्लू का। सिर्फ इन्हीं अफवाहों की वजह से पहले कोरोना में टाइम में नुकसान हुआ, लोग चिकन खाना छोड़ गए, किसी ने अंडा नहीं खाया, और जब सरकार ने एडवाइजरी जारी करी भी चिकन और इसमें एग में कोई इस तरह का नहीं है बीमारी, तब वो खाना शुरू किया। कोविड 19 वैक्सीन को लेकर पूरे भारत में 16 जनवरी को लॉन्च का प्रोग्राम रखा गया है। हरियाणा के करीब 111 सेशन साइट पर चालू होगी। 9 जिले की 4 CHC को इनॉग्रेशन के लिए चुना गया है। जल्द ही 9 जिले में 1-2 दिन के अंदर सरकार द्वारा वैक्सीन आने की उम्मीद है। वैक्सीन को लेकर 9 स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है, साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। कोरोना वैक्सीन के प्रथम चरण में आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। तो 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगेगा, तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर विशेष तौर पर तैयारी देखने को मिली है। अब खबर महेंद्रगढ़ से, जहां पर भिवानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने गांव ढुलाना में HDRF और डी प्लान के तहत कई विकास कार्यों के उद्घाटन किए। इस मौके पर अटेली के विधायक सीताराम यादव और कॉरपोरेटिव बैंक के चेयरमैन कंवर सिंह यादव तथा ललित तंवर एडवोकेट सहित क्षेत्र के बहुत से सरपंच उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद ने गांव वालों को डस्टबिन भी बांटे, जिससे गांव को साफ सुथरा रखा जा सके। सांसद ने कहा कि सरकार क्षेत्र का विकास तेज गति से कर रही है। तो वहीं चरखी दादरी 152 डी कॉरिडोर में अधिकृत जमीन को लेकर 17 गांव के किसानों ने 103 पेज की शिकायत दी है। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि हम इन सब को न्यायालय में लेकर जाकर ही दम तोड़ेंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों को जागरूक करने के मकसद से किसान जागरूकता यात्रा के दौरान स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव न केवल भिवानी पहुंचे बल्कि चरखी दादरी में भी उन्होंने किसान मीटिंगों को संबोधित किया। योगेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना था कि अब ये लड़ाई चुप बैठने की नहीं है, बल्कि इस लड़ाई में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। साथ ही उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि हर किसान परिवार से, पूरे प्रदेश से एक एक किसान ना केवल धरना स्थल पर पहुंचे बल्कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में भी हिस्सा। खबर यमुनानगर से, जहां पर 697 ग्राम सचिव पदों के लिए प्रदेश भर से आए करीब 60,000 परीक्षार्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। ये परीक्षाएं 9 से 10 जनवरी को 4 सत्रों में हुई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 697 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा लगभग 66 केंद्र यमुनानगर में व 9 केंद्र बिलासपुर एरिया में आयोजित किए गए। कुल 75 केंद्र लगाए गए और 4 चरणों में परीक्षा ली गई। 2 चरण
9 जनवरी के और दो चरण आज थे। जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया गया और हर सेंटर पर प्रॉपर व्यवस्था की गई ताकि किस तरह की कोई चीटिंग ना हो, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कहा कि पहले जब परीक्षाएं होती थी तो अक्सर जाम की स्थिति हो जाती थी, इस बार ट्रैफिक को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था की और किसी तरह की कहीं से कोई जाम की कोई शिकायत भी नहीं आई और सारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फतेहाबाद के टोहाना CIA पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर दो लड़कों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस को एक छुरा, एक सरिया और चोरी किए गए 22 तोले सोने के साथ 20,000 से ज्यादा रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिनों सुराम में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिनमें उन्होंने 22 तोले सोने चोरी किया था। वहीं आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल भूना में एक व्यापारी को गोली मारते वक्त किया गया था। खबर जींद से, जहां पर पैसे न चुकाने के चलते एक व्यापारी ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक पशु व्यापारी था, जिस पर करीब 2,80,000 रुपए का कर्ज था, जिसके चलते व्यापारी ने कर्ज देने वाले व्यक्ति के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया है। वहीं मृतक व्यापारी के परिवार वालों का आरोप है कि व्यापारी ने एक सोनू नाम के आरोपी से भैंस खरीदी थी, जबकि विजय नाम के एक आरोपी को भैंसे बेची थी। ऐसे में विजय कर्ज की रकम नहीं लौटा रहा था, जबकि सोनू अपने कर्ज के लिए व्यापारी पर दबाव बना रहा था, जिसके चलते व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला मेरा पिताजी क्या फांसी खाए होगा, बताया गया क्यों वो मनपनून मेरा किसी ने मारा है, मार का टांगा हुआ है। ठीक, आपने देखा जब पिताजी फांसी पर लटके हुए थे, क्या चरख रखे हुए? ना, लटके हुए थे, पुलिस वाले मेरे साथ गए हुए थे, जब मैं पता चला तो फांसी पर लटके हुए। किसके घर में लटके हुए थे? वे का नाम पता विजय, विजय कहाँ का रहने वाला? विजय किरसोड़े, किरसोड़े। क्या वजह थी? पैसे थे जी, पैसे के पैसे थे उसमें, तो 5 पैसे के पैसे थे। कितने रुपए उसमें? कम 2,80,000। 2,80,000 जी। विजय का मकान में फांसी खाई है, जहाँ ये पैसे मांग रहा था वहाँ फांसी खाई। अच्छा, तो कितने पैसे रह रहे थे उधार के? ये इसका लड़का ने बताई है, हमारे करीब 2,80,000 रुपये थे और दे नहीं रहा था, हमारे को भी कह रहा था भाई पैसे नहीं देता ये, तो इस वजह से इसका लड़का ने बयान दिए हैं, उसका आधार पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई। अब खबर पंचकुला से, जहां पर हुई 55,00,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस की SIT को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले की गुत्थी सुलझाते हुए SIT ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज को इस मामले में पीड़ित ने शिकायत दी थी। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि कुछ दिनों पहले सेक्टर 5 पुलिस थाना इलाके में उससे 55,00,000 रुपए कुछ लोगों ने छीन लिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्री ने जांच के लिए SIT बनाई। SIT ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और ड्राइवर समेत 3 लोग शामिल थे, जिन्होंने पीड़ित से 55,00,000 रुपए छीने थे। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर नवीन और ड्राइवर हरपाल को 4 दिनों के रिमांड पर भेजा है। और अब बात धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि बदमाश आए दिन खुलेआम फायरिंग कर अपना मैसेज चस्पा करते हैं और फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगता। दरअसल शनिवार को कुरुक्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट के बाहर 4 राउंड फायरिंग किया और रेस्टोरेंट के काउंटर पर अपना संदेश दिया। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। फायरिंग की इस वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। होटल एसोसिएशन के प्रधान रमेश कुमार ने बताया कि ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी गोली चलने की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिससे व्यापारियों में डर व्याप्त है। वहीं पुलिस ने इस मामले में बताया कि फायरिंग का वारदात CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।
हरियाणा सरकार के द्वारा फ्री लैपटॉप योजना 2021 के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे। ये लैपटॉप उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेंगे जो एग्जाम्स में 90% से ज्यादा नंबर प्राप्त करेंगे। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के उन सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे जो 10वीं की परीक्षा में 90% या फिर उससे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा स्कूल एजुकेशनल बोर्ड के छात्र ही उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर के द्वारा लैपटॉप वितरण किया जाएगा। वो सभी छात्र जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त में लैपटॉप मिलेंगे। ये आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 90% से ज्यादा अंक बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। कुछ बच्चे तो जो 10% बच्चे हैं 134A के तहत सरकार ही दाखिला कराती है उनका प्राइवेट स्कूलों में, सरकार उनका बिना फीस में ही पढ़ने के लिए कहती है, और EWS के बच्चे होते हैं, वो गरीब बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के भी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सपोर्ट है, वो भी विड्रा कर लिया जाता है। तो सभी सरकार केवल प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने मात्र से ही सारी के सारी सरकारी सुविधाएं, सारे के सरकारी सपोर्ट विड्रा कर लिया जाता है। ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये बच्चे भी हरियाणा प्रदेश के ही बच्चे। वहीं 21वीं झज्जर जिला यूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई। लॉकडाउन के बाद बहादुरगढ़ में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की भीड़ उमड़ी। प्रतियोगिता के पहले दिन 10 और 5 किलोमीटर की पैदल चाल, दौड़ और जंप की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।